पंजी क्लास में पढ़ते हो? पंजी क्लास में पढ़ो? क्या मायने रखेंगे? बेटा आप स्कूल में आते हो? आपको टीचर ने नहीं रोका यहाँ पे बैठने से खाने के लिए? जैसे आप यहाँ मवेशियों के सामने जो आप यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मैडम ये बताइए, ये जो स्कूल के बच्चे मवेशियों के सामने जो खाना खिला रहे हैं और आप टेबल पर बैठ कर खाना खा रहे हैं, ये कहाँ का रूल है मैडम जी बताइए? क्या ये बच्चे टीचर का भी कहना नहीं मानते क्या? तो ठंडक है तो ये मवेशियों के सामने, जैसे आप ये मवेशी पड़े हैं इनके सामने जो खाना खा रहे हैं, अगर इनको किसी बच्चे को टक्कर मार दी किसके जिम्मेवारी होगी? आप कौन है? आपकी उम्र कितनी होगी? मम्मी की चोट लगी हुई है। बता दीजिएगा आप मैडम जी आपका नाम? मैडम जी आपका नाम? मेरा नाम मनीषा मित्तल है। ये कौन सा विद्यालय है? तो मैडम जी जैसे आप यहाँ पे सरकार मिड डे मील दे रही है और बच्चे का खाने का वक्त भी है, खाना खा भी रहे, तो मवेशी के सामने जैसे स्कूल के बच्चे खाना खा रहे थे, लाइन में बैठ के खाना खाइए, वो कुछ लाइन में तो बिल्कुल लाइन की तो कोई व्यवस्था है नहीं। देखिए मैडम जी अभी भी देख सकते हैं आप, देखिए मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ किस प्रकार से ये खाना खा रहे हैं। मैडम बाहर बाहर भी तो व्यवस्था बना सकते हैं आप, यहाँ ट्रैक्टर वगैरह आते रहते हैं, बाइक वगैरह, इधर से कितनी रोड है पूरी जी, इधर से आना जाना लगा रहता है, तो बच्चों को यहाँ भी थोड़ा हम सेफली नहीं दिखा सकते क्योंकि एकदम उठाना पड़ता है। अच्छा ट्रैक्टर वगैरह इधर, तो मैडम जी इधर भी तो आप इसको यहाँ पे भी बच्चे, आप इसको किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या ये सही है? चल रहा है इसीलिए मैडम आज डीएम सर को देने के लिए एप्लीकेशन दे दी है कि यहाँ पे सुविधा हो जाए। आप देखो यहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, अंदर देखो आप कितनी गर्मी होती है। अच्छा 4 घंटे 5 घंटे बच्चे अंदर। मैडम जी मैं तो केवल आपसे एक ही सवाल कर रहा हूँ, जैसे स्कूल के बच्चे मवेशियों के सामने खाना खा रहे थे, अगर किसी बच्चे को मवेशिया ना टक्कर मार दी, उसको कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, तो वो किसकी जिम्मेवारी होगी? हम भी यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ लंच कर रहे हैं, हम इन्हें बच्चों को हम खुद रोकते हैं उधर जाने से, पेड़ों पे बैठने से, लेकिन हमें भी बाई चांस पता नहीं चलता जब हम इधर बैठे हैं, हमें भी नहीं पता चलता कि बच्चे इधर चले गए, ठीक है, क्योंकि घर सब ओपन है। मीरापुर के स्कूल की जहाँ पर बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है, ये सुबह एक आपके साथी द्वारा वो वीडियो मुझे दिखाया गया था और उसी समय मेरे द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को उस स्कूल की जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है कि क्या मैटर है और जैसे निरीक्षण रिपोर्ट आ जाएगी उसमें कार्रवाई की जाए। एक हरिनगर में स्कूल है सर, उसमें भी बच्चे स्कूल प्रांगण के पास जानवर बंधे हुए हैं, गाय भैंस और बच्चे फोर में बैठ कर खाना खा रहे हैं। वो कल मैं खंड शिक्षा अधिकारी को वहाँ भेजूंगा कि वो जानवर स्कूल प्रांगण में कैसे बैठे हैं और जो दोषी हैं अभी तक, क्योंकि इसमें जो भी अगर अतिक्रमण हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक की थी, उनको वहाँ से अतिक्रमण हटवाना चाहिए था। कल मैं उनके खिलाफ भी जांच रिपोर्ट लेके कार्रवाई करेंगे।